नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वागत जिंदगी में। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। रुक करते हैं प्रमुख खबर की ओर। मार्च माह की 22 तारीख को कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सृजन सोसाइटी द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कोविड-19 से बचाव हेतु राहत सामग्री वितरित की गई और उसका सुचारू रूप से उपयोग भी बताया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा चाइल्ड लाइन निर्देशक जेपी सिंह जी व उमा शुक्ला जी के मार्गदर्शन से तैयार की गई। कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी संजय मिश्रा ने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु बताया कि मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें और बच्चों के हेल्पलाइन नंबर 1098 की भी विस्तृत जानकारी दें। चाइल्ड लाइन समन्वयक दिवाकर ओझा ने बताया कि यदि किसी बच्चे ने कोरोना के कारण अपने माता पिता ने किसी को खो दिया है तो ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ा जाएगा और कन्या सुमंगला योजना की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को जूस, सैनिटाइजर, ग्लूकॉन डी भी वितरित किया गया। बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता हरिवेंद्र सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य सीमा देवी, चाइल्ड लाइन काउंसिलर प्रज्ञा, टीम सदस्य शालिनी मिश्रा, अमन, दिव्या, अवस्थी, सिद्धार्थ त्रिपाठी, किंटू व विद्यालय के स्टाफ, सीमा देवी, साक्षी मिश्रा उपस्थित रहे। स्वागत जिंदगी के लिए अमित कुमार यादव की रिपोर्ट। ऐसी प्रमुख खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। नमस्कार। उनका उपयोग करके वो अपनी किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं। बच्चों के लिए 1098 है। पता है चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है? यस सर। क्या नाम है चाइल्ड हेल्पलाइन का? 1098। इसको कौन मिला सकता है? बच्चे मिला सकते हैं। पीछे से बोला लड़का। तो बच्चे कौन है ये जानते हैं आप? यस सर। कौन बच्चा है? हम लोग।